हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी नवरात्रे। तो आज नवरात्रे हैं, जैसे आज नवरात्रा का फर्स्ट नवरात्रा है, तो सबको हैप्पी नवरात्रे, जय माता की सबको, और सब बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो माता रानी की कृपा से। तो आज मेरा भी फर्स्ट है, तो मैंने अब सुबह सुबह उठ के बस अब पाठ रख रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्या चलो थोड़ा वीडियो बना ले और पता चल जाए कि आज नवरात्रे है, सबको वैसे पता ही होता है। तो आज फर्स्ट नवरात्रा है मेरा भी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम भी पाठ रख रहे हैं। तो देखो आज सुबह सुबह ही हमने अभी सामान लेके माता रानी का, तो अभी अच्छी इतनी अच्छी मूर्ति लेके आए हैं, तो चलो मैं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ले आया माता की मूर्ति और अब लगाएंगे पाठ। देखो कितनी अच्छी मूर्ति है, ये देखो सारा सामान आ गया माता का। आज इस पता ही आपको नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट रख रखे हैं। हाँ कागज बलेट दे सारा। जसो दिखाती हूँ ये पाठ रख रहे हैं। छिलांगे जसो बोल जय माता दी, बोल जय माता दी, बोल अच्छा लेके ले आओ। मेरी माता रानी का मंदिर कितना सोना सजा हुआ है देखो। मत्था टेकना है के? अच्छा ये कहते मेरा सिर ढको। मैंने मैंने माता रानी का मत्था टेकना है, जाओ देखो मत्था देखो, चल उधर मुंह करके माता रानी के मंदिर बनने। ये छोटी किन्ने है ना, चल बोल, चल माता रानी चल चल टेक। ओहो टेको मत्था, बोल जय माता दी, बोल बोल जय माता दी। ये माला भी आज लेके आए हैं माता की, बड़ी फोटो भी हमारे, और आज ये मूर्ति लेके हम, बहुत सुंदर मूर्ति, मुझे बहुत खुशी हुई इसे देखकर। तो
अगले दिन हम ये पहले जब मैं सोमवार के वक्त तो रखती हूँ, फिर भी अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, फिर जे सोमवार के मैंने व्रत रखे थे ये मूर्ति लेके आई। तो ये हम सुबह सुबह नहा भी लिए, कपड़े भी धो लिए, माता की धूपबत्ती भी कर दी, और अभी सुबह के सिर्फ 8:30 ही हुई है। तो कितने देखो सारा साफ कर लिया, मैं चाय बना के पी रही हूँ। तो आज बना रहे हैं मैंने वाइट वाले चने बनाए। तो ये देखो, सॉरी मैं ना भूल गई, जब बनाए थे ना मेरे को तभी वीडियो बनानी चाहिए थी, व्लॉग बनाना चाहिए था, तो मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। तो इसलिए ये मैं अब ये अब बनेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। अभी सीटी लग रही है क्योंकि ये हार्ट बड़े बहुत होते हैं ना, इसलिए कुकर में बनाने पड़ते हैं। तो ये देखो मैंने उनमें हम लहसुन प्याज तो अब मतलब नवरात्रे हम खाते नहीं हैं, तो इसलिए टमाटर से ही मैंने उनको तड़का लगाया है, हरी मिर्ची डाल के, जीरा जूरा डाल के। तो इसलिए देखते हैं वाइट वाले चने और आलू कैसे बनते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। बाकी मेरा एक नारियल हमने दोबारा ये नारियल रखा है क्योंकि एक नारियल हमारा चढ़ चुका है, तो इसलिए हमने प्रसाद खा लिया ये, तो हमने दोबारा रखा है नारियल। तो देखो, तो अभी मेरी सब्जी बन रही है, उसके बाद मेरा खाना तैयार हो जाएगा, बस रोटी रह जाएगी फिर। तो ये देखो अभी थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे तो खानी नहीं थी रोटी, इसलिए मैं सोचा चल दूसरे तो ना हो। चलिए, तो बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा, ठंड ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब ऐसी गर्मियों में चले तो फिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ये अभी सर्दी का थोड़ा मौसम आ गया है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, और वैसे अच्छी लग रही है इस मौसम में, तो बाद में तो फिर पता ही आपको सर्दी ज़्यादा पड़ने लग जाएगी। तो इसलिए अब सब बाज़ार गए हुए हैं और मैं घर पे हूँ, खाना खुना बना रही हूँ। तो आज हमारे नीचे भी कोई नहीं है, इधर सारे ये कोई फंक्शन वगैरह में आ गए हैं पार्टी पे, तो आज नहीं तो बाजार गए, तो इसलिए मैं अकेली ही हूँ इधर आज। तो चलो देखते हैं कैसी बनी अपनी सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन गई अपनी चनों की सब्जी, देखो कितनी अच्छी बनी, तैयार हो गई अपनी चनों की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, अच्छी बनी। ये बनाई अपने चावल की खीर, ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं।